नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। एक बार फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की और इंडिया गठबंधन में चल रही खींचतान और सेंधमारी की। दरअसल घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से जो तकरार शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, वो अब इस स्तर पर आ गई है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के दलों में सेंधमारी की कोशिश कर रही। हालांकि ये प्रयास ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस खेमे की तरफ से। आज फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे, कई बार लोकसभा के सांसद रहे, उनकी बेटी भी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रह चुकी है, रवि वर्मा, और उनकी बेटी पूर्वी वर्मा, दोनों ही आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। तराई इलाकों में कहा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे रवि वर्मा, और न केवल वो खुद आए बल्कि उनके तो तमाम दूसरे समर्थक थे, वो भी साथ में है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता थे, उसमें कई सारे बीडीसी सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, अलग अलग पदों पे जो लोग हैं, वो तमाम लोग आज शामिल हो गए। कांग्रेस इसे एक तरीके से अपनी बढ़त की तौर पर देख रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में जो प्रयास किए जा रहे हैं अजय राय जी की तरफ से लगातार अपनी पार्टी के विस्तार में, उसमें कहीं ना कहीं वो बार बार समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाते हुए नजर आते हैं। इसमें भी शक नहीं है कि जो इंडिया का गठबंधन है वो दरअसल आपसी खींचतान का शिकार होता नजर आ रहा है। खासतौर से जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अगर उस पर हम नजर डालें तो ये कड़वाहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का विवाद सभी लोग देख रहे हैं, किस तरीके से खुलकर के बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच भी खींचतान और तकरार बिल्कुल खुले शब्दों में नजर आ रही है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। नीतीश कुमार भी बिहार से हमला कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अगर पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो वहां पर भी स्थिति बड़ी खराब है, वहां पर भी अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच जो टकराहट है वो देखने को मिलती है। लेकिन इन सबको छोड़ के अगर हम उत्तर प्रदेश के ही लिहाज से बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, यहीं से ही जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उसी का रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे इनकार किया जा सके। तो इन तमाम जो बातें हैं उनको अगर हम नजर डालें या जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको नजर डालें तो इंडिया गठबंधन का भविष्य बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। तो क्या अगर इसी तरीके से सेंधमारी एक दूसरे के दलों में जारी रही तो क्या मोदी के खिलाफ 2024 में जिस मोर्चे की बात कर रहे हैं, क्या वो मोर्चा आकार ले भी पाएगा, क्या विपक्ष लामबंद हो भी पाएगा या नहीं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका एक करके परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन जी है भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ तंजीम अहमद साहब है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पराज किदवई साहब है समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, और प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शुरुआत मैं आज करना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो शायद अभी जुड़ नहीं पाए, चलिए फराज किदवई साहब के पास सबसे पहले चलते हैं। फराज साहब, एक और बड़ी चोट, एक और बड़ी सेंधमारी। मानस जी देखिए, लड़ाई बड़ी है 2024 की, और होता क्या है कि जब कोई दो दोस्त होते हैं उसमें एक दोस्त अगर कुछ नादानी करे तो मुझे लगता है कि दूसरे दोस्त को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की जो गठबंधन राजनीति है मानस जी, उसमें अगर गठबंधन धर्म का पालन किसी ने बहुत अच्छे से हमेशा किया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आप देखिए कि 2017 में जब कांग्रेस के साथ हम लोग मिलकर के इलेक्शन लड़े थे तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को करीब 110 से ज्यादा सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद में 2019 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी और आधी से ज्यादा हमने बहुजन समाज पार्टी को सीट दी। आरएलडी से हमारा परमानेंट गठबंधन चल रहा है और हमारी कोई किसी भी तरह की दिक्कतें आरएलडी से नहीं आ रही हैं। अब देखना यह पड़ेगा कि ये जो बड़ी लड़ाई है 2024 की जीतने के लिए, मुझे लगता है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो इंडिया अलायंस के जो सारे पार्टनर्स हैं
उनको बहुत सीरियस होना चाहिए। मानस जी, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय समझ लिए या दो समझ लिए, क्योंकि देश के हालात आज की तारीख में बहुत खराब है। देश बेरोजगारी से झूल रहा है, जूझ रहा है, देश महंगाई से परेशान है। आप देखिए, अगर तो माइक्रो लेवल पे करप्शन मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। आप एक गरीब आदमी अगर 800 स्क्वायर फीट की अभी रजिस्ट्री भी अपनी कराने जाता है तो उसको कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, ये आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा। एक छोटा दुकानदार अगर फूड लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उससे कितनी रिश्वत मांगी जाती है। 100 रुपए का फूड लाइसेंस होता है और 1000 रुपए उससे रिश्वत मांगी जाती है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मुझे लगता है कि गवर्नेंस आज की तारीख में इंडिया में खासकर उत्तर प्रदेश से बिल्कुल है। चीजों का गठबंधन को लेकर के तो कोई मसला नहीं ना उसके, उससे गठबंधन का क्या मतलब है? गठबंधन तो आप लोगों को करना। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये सब इसलिए गिना रहा हूँ कि ये आज की तारीख में देश में परेशानियां हैं और इस परेशानियों की जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, मानस जी, हमारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं कि जब इतने बुरे हालात चल रहे हैं देश में तो 2024 की लड़ाई बड़ी है, इसमें गठबंधन को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे काम हो रहे हैं मानस जी, जैसे अभी हमारे ये जो पार्टियों में जो पोचिंग हो रही है ना, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि आप एक तरफ तो गठबंधन एक पार्टी के साथ कर रहे हैं और उसके बाद में उनके पुराने लीडर्स को आप तोड़ करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता में। तो मुझे लगता है कि देखिए, हम लोगों को तो निर्देश ये है मानस जी कि हमको गठबंधन लेकर के चलना है, हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन पे असर पड़े, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं उनके लिए देश पहले है और देश की जनता पहले है। तो देश की जनता के लिए हम लोग गठबंधन आगे धर्म निभाते रहेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कई बार कहा है कि उन्होंने हमेशा बड़ा दल दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। तो मैंने जो ये सब आपसे इतने ज्यादा मुद्दे इसलिए मानस जी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपसे बोला, ये हमारा पॉलिटिकल कंपल्शन और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि जब आज की तारीख में आप दुनिया की अगर बात करिएगा तो भारत की पर कैपिटा इनकम G20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है और हमको लगता है वैश्विक अगर आप तुलना करिएगा तो 142वें नंबर पर है। तो एक तरफ तो बात भारतीय जनता पार्टी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की करती है और फिर 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करती है, लेकिन लेकिन असमानता जिसको हम इनइक्वलिटी बोलते हैं वो भारत में कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, ये हमसे आपसे किसी तरह से छुपी नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं मानस जी जिनको एड्रेस करने के लिए इंडिया गठबंधन का एक रहना जरूरी है। फिर मैं बोल रहा हूँ, 2024 की लड़ाई बड़ी है, उस लड़ाई को जीतने के लिए हमको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। वो बड़ा दिल दिखाने के लिए एक दूसरे की जो हम जो जो गठबंधन के साथी हैं उनके लोगों को तोड़ना नहीं है, सेंधमारी नहीं करनी है, आपको अपने बूथ पे जाकर के मेहनत करके अपनी अपना संगठन खड़ा करना है, ना कि दूसरी जगह से उठा करके लोगों को अपने आप उसको संगठन को मजबूत करने की सोचे। कमजीत अहमद साहब, एक तरफ आप दोस्ती की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सेंधमारी भी कर रहे हैं, ये दोहरा रवैया समझ नहीं पा रहे हैं इंडिया गठबंधन के आपके साथी, जितने भी घटक दल है सबके निशाने पे एक एक करके आप आते जा रहे हैं। देखिए मानव जी, नमस्कार और सबको नमस्कार मेरा। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और एक खुला दरवाजा है सबके लिए। अगर कोई किसी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो इसको पोचिंग नहीं कहेंगे और ना तो इसको ये कहेंगे कि हम किसी दल को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब वर्मा जी, अगर उनको लगा कि कांग्रेस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए तो वो आए हैं हमारी पार्टी में, हमने उनका स्वागत किया है, दिल खोल के स्वागत किया है, हाथ फैला के स्वागत किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं बड़ी बात एक और कहना चाहूंगा यहाँ पे मानस जी, कल आप देख रहे होंगे कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से एक बयान आया कि मध्य प्रदेश में कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। और दूसरा एक बात उन्होंने और जोड़ी, मध्य प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की कांग्रेस को वोट मत दीजिए। अब कांग्रेस को वोट मत दीजिए तो फिर वोट किसको दीजिए, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर वो कह रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए तो फिर वोट किसके लिए अपील कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न जनमानस में खड़ा हो गया है। हम लोग तो चलिए, हमारे घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, तो हम लोग उतनी तत्परता से ये सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन जनता ये जानना चाह रही है कि ये क्या वजह है कि अखिलेश यादव जी को मध्य प्रदेश पहुंच के ये अपील करना पड़ गया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से खुले विचार और खुले जो मन के लोग हैं और जो कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित हैं वो आके हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज अब अगर आप बात करेंगे तो चाहे जो दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कभी ना कभी जो उनके भी बड़े नेता है कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के ही गए ना। सबसे पुराना दल देश के अंदर तो कांग्रेस ही है,
कभी ना कभी वो लोग भी कोई ना कोई पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के कोई ना किसी पार्टी में गए, अगर वो वापस आ रहे हैं तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। वो घर, हम तो इसको घर वापसी का ही नाम देंगे कि वो अपने घर वापस आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और ना तो हम किसी को पोच कर रहे हैं और ना तो हम किसी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के, राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ जुड़ के, अजय राय जी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाह रहा है तो हम आगे भी शामिल करते रहेंगे और पूरी तरीके से हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन विचारधारा के साथ आए, किसी पर्सनल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, अजय राय जी के नेतृत्व में जो भी आएगा हम उनका स्वागत करेंगे। चलिए आगे भी स्वागत करते रहेंगे। कृष्ण मोहन जी, आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये। आपको तो इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जितने भी प्रवक्ता जिनसे बात होती है उनको बहुत मजा आ रहा है कि वो चाह भी रहते कि ऐसा हो जाए और वैसा देखिए हो भी गया कि आपस में ही जो है वो खींचतान चालू हो गई। तो आपका तो रास्ता साफ होता जा रहा है कृष्ण मोहन जी। मनोज जी एक बात मैं थोड़ा सा बड़ी गंभीरता से कहूंगा, एक बार आप देखिएगा सारे छोटे दलों का जो उद्भव हुआ था या क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ था वो कांग्रेस विरोध के नाम पर हुआ था। इन सारे दलों ने कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेसी चोर हैं। इन सारे छोटे दलों के नेताओं पर जो FIR जब वो सत्ता में आए और सत्ता के बाद गए तो उनपे FIR जो किया वो कांग्रेस ने किया, और सिर्फ FIR ने किया, उनको जेल भी भिजवाया तो इसी कांग्रेस ने भिजवाया। परंतु अब जब ये इंडिया गठबंधन बना तो इन लोगों ने कहा हम सारे एक विचारधारा के लोग, समान विचारधारा के लोग एक छत के नीचे एक गठबंधन में आए हैं, और घराना किसको है? बीजेपी को। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं। तो कल तक जिनको आप चोर कहते रहे कि कांग्रेस चोर है या कांग्रेस उन लोग छोटे दलों पर जो FIR कराती रही और FIR करा कर उनको जेल भेजती रही, ये कहती रही कि ये चोर है, अर्थात ये दोनों के दोनों या तो चोर थे या इस देश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते थे। परंतु अच्छा ही हुआ कि इस गठबंधन से इस देश की जनता ने इनका चाल, चरित्र और चेहरा पहचाना कि ये वही लोग थे जो कल तक कहते थे कि कांग्रेस चोर है, एक साथ आके खड़े हो गए, अर्थात गंगाधरी शक्तिमान था। ये सारे के सारे लोग वही हैं जो देश को 70 सालों तक झूठ बोलकर, अपराध के दलदल में ढकेल कर, और बड़ी विश्वसनीयता के साथ कहूंगा कि देश में दंगे होते रहे सिर्फ इस नाम से कि कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी तो देश में बहुत बड़ा दंगा होगा, आप हमें वोट दो। बड़ी स्पष्टता से मानस जी कहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या जहां जहां भाजपा शासित राज्य हो, देश से दंगों का नामो निशान मिट गया। अब कोई पक्ष नहीं उठाता है। देश के एक बड़े वर्ग को इस बात का अनुभूति हुई कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसके हाथों में देश सुरक्षित है। अब देश में बम ब्लास्ट नहीं होता है, अब देश में जगह जगह दंगे नहीं होते हैं। और हाँ, करप्शन की बात कर ली जाए तो कई ऐसे नेता जो, कई ऐसे व्यापारी जो भाग के गए, उनका लेटर धन्यवाद के रूप में है कि फलाने को धन्यवाद जिनके रहने से हमें लोन मिल गया। 2014 से पहले उन पर कोई FIR नहीं था जो भागने वाले लोगों पर था, और लोन इसी कांग्रेस और उनके दलों ने दिया। हमने FIR कराई उन पर, उन कई लोगों को जेल भेजा, और जो भागे उनको ईडी और बाकी एजेंसी से लाने का प्रयास किया। 21,000 करोड़ यदि उन्होंने लोन लिया तो 80,000 करोड़ के ऊपर हमने उनके जो एसेट्स थे उसको सीज किया। तो ये दर्द जिनको देश की जनता देख रही है कि लोन कौन दे रहा है, भगा कौन रहा था, FIR कौन कर रहा है, जेल कौन भेज रहा है, या लॉ कौन रहा है, देश को दंगे मुक्त करने का काम कौन कर रहा है, देश में अपराध मुक्त करने का काम कौन कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी है। परंतु इस गठबंधन ने एक बात तय कर दिया, जो कल तक चिल्लाते थे कि कांग्रेस चोर है या कांग्रेस इन छोटे दलों पर FIR कहती थी, इन सारे लोगों ने कहा कि हम समान विचारधारा के लोग एक जगह आ गए, अर्थात चोर थे कांग्रेस या ये छोटे दल, ये तय कर ले, देश की जनता इनको तय कर देगी 2024 के चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकासवादी कार्यों से सीधा प्रभाव से आगे बढ़ रही है और कहीं लेफ्ट राइट नहीं देख रही है, क्योंकि मैं पता है कि इस देश को विकास की आवश्यकता है। इस देश को भुखमरी से जिस तरह से हमने बाहर निकाला है उसको और आगे ले जाकर एक बड़ा मध्यम वर्ग खड़ा करना है जो दुनिया की आंखों में आके मिलाकर कहे कि हम भारत के लोग
दुनिया को एक नई राह देने के लिए तैयार है। स्वामी जी आपने 20 सेकंड बस जी बोलिए थोड़ा सा। मानस जी अभी हमारे भाई ने भुखमरी की बात की, खाली इनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी गरीबी की बात करते हैं, गरीबी का पैमाना क्या है, ये आज आपके चैनल पर बता के जाएंगे। अगर इनको नहीं पता होगा तो कहिएगा, अपने ऑफिस में फोन कर लेंगे और पूछ लेंगे कि गरीबी किसको मानते हैं, उसकी आय कितनी होनी चाहिए, गरीबी की सीमा रेखा क्या है, ये आज बता के जाएंगे, हमारा ज्ञानवर्धन करके जाएंगे मानस जी, क्योंकि देश में आज की तारीख में पता नहीं है कि गरीब कौन है सीएत में, बता के जाइएगा, नहीं पता होगा तो अपने ऑफिस फोन करिएगा, पूछिएगा उनसे। जी आगे बढ़ाइए मानस जी। मानस जी मुझे जवाब देने का जरूर मौका दीजिएगा। हमारे साथी कह रहे थे कि गरीबी का मानक क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता ये साहब 2012 में पूरे देश भर में आपने गरीबी का मानक तय किया था आपने, और जो जो व्यवस्था आज भी चल रही है हम उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात भुखमरी की बात कर रहे हैं, मैं एक इस पूरे पैनल को बड़ी गरीबी का मानक क्या है सर, बात को जानना चाहूंगा। गरीबी का मानक क्या है मानस जी, मैंने कुछ बोला नहीं, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी और आप उनके सहयोगी घटक दल थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटे लिया कि इस देश में आखिर भुखमरी क्यों बढ़ रही है, क्यों ये मौतें आ रही, बार बार मौत हो रही है भूख से। सुप्रीम कोर्ट गरीबी क्या है, हजारों जाते हैं इसका वितरण आप क्यों नहीं कराते हैं, कांग्रेस के सुन लीजिए ने कहा वितरण प्रणाली नहीं है जिससे कि हम इसको बांट सके। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने पूरे देश भर में बेहतर ढंग से वो वितरण कराया और आज सुप्रीम कोर्ट उसकी पुनर्वाही कर रही है कि जो 2010 में कांग्रेस नहीं कर सकी, 14 में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने उसको कर दिखाया और बड़े ही स्पष्टता से और एक सुदृढ़ प्रक्रिया के साथ इसको हम बंटवारा करा रहे हैं। चलिए हम लोग इस पर भी बहस करेंगे। कौन है नहीं मानस जी प्लीज हमको ये जवाब चाहिए, गरीब कौन है ये बता दिए, बस ये इतना बता दिए गरीबी की डेफिनेशन क्या है। 2012 की तारीख में गरीब कौन है, आप कौन है गरीब, आप उनके सहयोगी बोलते हैं मानस जी, नहीं बता रहे क्या बात, आप बोलते हैं ये बात गरीबी है और उसी मानक पर चल रहा है। मनी मानस जी इन्होंने इनको पता नहीं है ये गरीबी का जो क्राइटेरिया था उसको चेंज करके इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कर दिया जिसमें 4-5 मंगा लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ गरीब कौन है। मानस जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहर में जो आदमी 1,000 रुपए से कम कमा रहा है या 1,000 रुपए तक कमा रहा है उसको ये गरीब नहीं मानते। 1,000 रुपए का मतलब 33 रुपए पर डे। मानस जी 33 रुपए पर डे में किसकी जीविका चल जाती है, जरा इनसे पूछिएगा बताएंगे, ये झूठ बोलते हैं असलियत में। गरीबी क्या है पता ही नहीं है। मैं अपने लेकिन फिलहाल प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी जिस तरीके की एक खींचतान आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आपने तो महसूस किया होगा कि जब से इंडिया गठबंधन में आपसी तकरार शुरू हुई है, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि उनके लिए तो एक तरीके से बेहतर पैसेज बन रहा है। अगर ये गठबंधन बिखरता है जैसा कि अब दिख रहा है कि लगभग बिखर चुका ही या बिखरने के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार मुखर होकर के बोल रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी बोल रही हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तो अब कोई बाकी नहीं बचा तमाम जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, आप ज्यादा जिम्मेदार या असल में इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मानस जी देखिए बला इसमें अगर मूल उसमें जाएं, उसके नेपथ्य में जाएं, तो ये गठबंधन किसी सिद्धांतों के आधार पर, नीतियों के आधार पर तो बना नहीं है कि जो सारे लोगों को उसमें नीतिगत आधार पर या सैद्धांतिक आधार पर या मुद्दों के आधार पर बनाए कि हम इस इशू को लेके जाएंगे। सत्यता तो ये है कि ये गठबंधन ही जो बना है वो गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए बना है, उसके मूल में ये तत्व निहित है।
सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको, क्योंकि नीतिगत कोई चीज है ही नहीं। और वो व्यवस्था भी समूचे विपक्ष की है, भारतीय जनता पार्टी ने चौदह के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से कांग्रेस को, क्षेत्रीय दलों को, देश के सभी दलों को हाशिए पे ला के खड़ा करने का प्रयास किया या खड़ा कर दिया, ये उससे सारे लोगों को के मन में दहशत है, या उसी की वजह से ये उसी आधार पर ये एक हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए। और वो सही भी है, क्योंकि अगर देखा जाए उसके अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो 36, 37, 38, 40% पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती रही हैं राज्यों में और केंद्र में भी, तो उसमें बाकी जो 60% या 62-63% है वो विपक्ष के अलग अलग खेमों में बढ़ जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा लाभ लेती रही, और राजनीति में लाभ लेना भी चाहिए। तो उस वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ये सब एक हुए, ताकि हमारा अपना भी एक अस्तित्व बचा रहे, ये उसका मूल कारण ये है। और इसीलिए अच्छा दूसरी बात जो मानस जी है वो ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, ये बात सही है जो अभी तंजीम साहब ने कही कि वर्मा जी को लेने के ऊपर कि आखिर ये कांग्रेस में थे, ये वापसी हुई है, ये तो ये भी सच है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं देश में वो सारे के सारे कहीं ना कहीं गैर कांग्रेस बात के नाम पर ही अस्तित्व में आए हैं। तो कांग्रेस से गठबंधन करने की तलखी की एक वजह ये भी है कि अगर राज्यों में कांग्रेस मजबूत होगी तो ये क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे, तो वो लड़ाई सिर्फ इस बात की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ये पहले गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये बात सोचती थी कि ये गठबंधन संभव नहीं है, इसलिए वो ज्यादा चिंतित भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस को केंद्र में रख के अगर कांग्रेस को लेंगे तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे, और क्षेत्रीय दल ये क्यों कमजोर होना चाहेंगे। बेसिक बात यह है कि क्षेत्रीय दलों के सामने भी अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्पष्ट सोच है, और ये बात वो अपनी बात कह भी चुके हैं कि ये क्षेत्रीय दलों से देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा आती है, तो वो इसके उसका नेपथ्य में या उसके उसमें जाएं तो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि क्षेत्रीय दल जो हैं ये कोई उपयोगी देश के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं है, तो वो जान रहे हैं कि ये तो हमको खत्म कर देंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उस मजबूरी में कांग्रेस को लेके ये चले कि भाई कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस से तो फिर हम निपट लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 24 में सत्ता में वापसी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो हम लड़ेंगे किससे। तो ये है चौथी और अंतिम बात मानस जी, है कि ये जो टकराव हो रही है, ये जो गठबंधन हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। तो जो आपको चाहे वो आप बिहार में ले लीजिए, चाहे बंगाल में ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, वो अपना जो वजूद खो चुकी है उसको वापस लेने की जद्दोजहद में है। क्षेत्रीय दलों की ये सबसे बड़ा धर्म संकट है कि अगर इस जद्दोजहद में कांग्रेस सफल हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे, तो ये वो एक लड़ाई या वो चल रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो इस लेवल पर हो रही है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा में, अखिलेश जी ने कि कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है, कांग्रेस को वोट मत दीजिए, तो ये जो स्थितियां ये क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्तर पर तो हैं और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका एक सिटिंग विधायक था, उस तक को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, ये कांग्रेस को निभाना चाहिए था। अगर गठबंधन हम मान भी लें कि वहां पर था 24 के लिहाज से था, तो जब यहाँ आप एक साथ चलने का जब रास्ता है तो बीच में लंगड़ी मारने का काम तो नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस ने ये लंगड़ी तो मारी कि वहां उन्होंने 5 सीटें मांगी, उन्होंने जो सिटिंग विधायक था उसकी भी टिकट नहीं दी, उसको भी साथ में यह समझौता नहीं किया। तो ये कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक गठबंधन का धर्म या गठबंधन के या दोस्ती के जो रिश्ते होते हैं उस रिश्ते को कहीं ना कहीं उन्होंने एक डेंट करने की कोशिश की, और शायद उसी का रिफ्लेक्शन है कि अखिलेश जी अग्रेसिव हो गए और वो वहां जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है,
और कांग्रेस को वोट मत दीजिए। तो ये जो लड़ाई है ये सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर है, उसके बाद मुझे लगता है कि इन तमाम वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस के और इनके तमाम अस्तित्व को लेके जो संघर्ष है वो उसके बावजूद भी 24 का जो है वो इलेक्शन क्षेत्रीय दलों के लिए व्यवस्था भी है कि वो गठबंधन करें। वरना ये देख लीजिए अखिलेश जी एक तरफ तो मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर नहीं है, उसके बाद कह रहे हैं कि भाजपा को हटाने के लिए गठबंधन धर्म हम निभाएंगे। तो ये जो कंट्राडिक्टरी चीजें अपने ऑटोमेटिक हैं, इसमें किसी को समझने की जरूरत नहीं है। तो गठबंधन धर्म क्यों निभाएंगे? गठबंधन धर्म इसीलिए निभाना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ले लें तो उत्तर प्रदेश में वो अगर पिछले इलेक्शन में चले जाएं तो समाजवादी पार्टी के पास 5 विधायक रह गए, वो भी नहीं रहे। बसपा 10 विधायक जीत गई थी जो गठबंधन हुआ था, तो बाकी लोगों के पास कुछ लटू पत्रा है नहीं। कांग्रेस के पास एक खाली बची हुई है रायबरेली, उसके पास कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तो चीजें चलती रहेंगी, तो क्षेत्रीय दलों की ये भी व्यवस्था होगी जो मैंने पहले भी कहा कि जो ये इंडिया गठबंधन बना है ये मुद्दों के आधार पर नहीं है या सिद्धांतों के आधार पर नहीं है, नीतिगत आधार पर नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हटाना है उस आधार पर बना हुआ है, और ये व्यवस्था ही 24 के चुनाव के लिए ये गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं तमाम मतभेदों के बावजूद भी ये तालमेल या खिचड़ी बिखरने के बाद भी ये बनी रहेगी, या उसमें कोई मुझे कोई ऐसा बहुत ज्यादा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने भी ये बात वहाँ कांग्रेस को हिट किया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कर ही रहे हैं। और एक अंतिम बात मानस जी और है, यहाँ जो उत्तर प्रदेश की अगर लड़ाई देखें तो उसका अखिलेश जी का की नाराजगी या अखिलेश जी का ये सोचना वो दुविधा में वो भी है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का जो रुझान भाई समाजवादी पार्टी के पास MY फैक्टर ही रहा है अगर आप शुरू से देखें, आप जानते हैं मानस जी। तो ऐसे में अगर कहीं ये मुस्लिम फैक्टर जो है वो कांग्रेस के जो रुझान है और अगर उधर शिफ्ट होगा तो नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को। तो ये अखिलेश भी समझ रहे हैं पूरी तरीके से। यही कारण है कि आप देखिए कि उन मुस्लिमों को रिझाने के लिए या उनको संदेश देने के लिए अजय राय जी आजम खान साहब के पास गए वहां मिलने के लिए, अखिलेश जी नहीं जा पाए, वो पहुंच गए वहां। तो ये सारी चीजें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत समीकरणों के आधार पर है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर है, तो ये जो समीकरण है इन समीकरणों बहुत पेचीदे हैं। तो लेकिन इन पेचीदों के बावजूद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष की मजबूरी होगी कि वो 24 के इलेक्शन में वो कोई ना कोई बनाते रहे, और वो स्पष्ट भी कर चुके हैं कि हम 65 सीटों पर हम लड़ेंगे, अखिलेश 15 सीटें हम दे देंगे, कांग्रेस को चाहिए वो कांग्रेस ले ले बस, जिसको भी चाहिए वो। तो जी बात बनेगी कि नहीं बनेगी ये भी देखना होगा। लेकिन चलिए एक बार रोहित अग्रवाल जी के पास चलते। रोहित जी, क्या आप भी अखिलेश यादव जी की इस बात से सहमत है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए? आप सहमत है अखिलेश जी के उनके इस अनुभव नहीं? अखिलेश जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है मैं तो पहले ये समझना चाहता हूँ, ये कृष्ण मोहन पांडे जी ने क्या कहा है? नहीं, कृष्ण मोहन पांडे जी थोड़ी बता रहा भाई पहले, अरे मानस भाई बोलने दो भाई, बोलने दो भाई। नहीं, अखिलेश जी पे भी आ रहे हैं, पहले हमें क्लियरिटी तो दो। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस के दो दो प्रवक्ता बैठा रखे हो आप, ये क्लियरिटी तो दो हमें भाई। कृष्ण मोहन पांडे तो ये जो बात कर रहे थे ये तो साफ साफ बात कर रहे थे कि भाई ये कह रहे थे कि जो छोटे दल कहते हैं कि अगर छोटे दल कांग्रेस को कोसते हैं और कांग्रेस तो बहुत अच्छी पार्टी है, तो आप भाई पहले तो ये क्लियरिटी दो कि कृष्ण मोहन पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है कि बीजेपी के प्रवक्ता है, क्योंकि आपने दो दो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा रखे तो आपने तो पहले यहीं पर अत्याचार कर दिया हम लोगों के साथ कि आपने दो दो भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा दिए भाई। गोदी मीडिया दो भाजपा प्रवक्ता बैठा दिए, आपने दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा दिए। अभी अभी आपके प्रश्न पे रोहित भाई को मैं समझ रहा हूं, आप अभी तारीफ के कसीदे कस रहे थे कांग्रेस के लिए, तो आपको एक क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी ना कि मोहन जी की आप समझ रहे हो आपको मैंने ये कहा कि कांग्रेस चोर थी ये सारे लोग कहते थे,
और कांग्रेस की यह कहती थी कि ये चोर थे, तो ये दोनों इंसान है, तो चोर कौन सा था? जनता को बताइए। असल में आपने इसलिए ये कहा क्योंकि आपको आपको एक मिनट मानस भाई, एक मिनट शांत तो रहिए मानस भाई, एक मिनट। आपने इसलिए ये कहा क्योंकि आपको आदत है परिवार तोड़ने की, आपको आदत है। वहां चिराग पासवान का परिवार तोड़ा, महाराष्ट्र के अंदर आपने शिवसेना का परिवार तोड़ा, है ना, आपकी आदत है ये। यहाँ पे अनुप्रिया पटेल का परिवार तोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपकी आदत है, आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आपका तो मन भी है कि दूसरे का परिवार तोड़ो और मजा करो। अरे शरद, नहीं नहीं, आपका तो घर भी यही है, आप अपना परिवार तोड़ लीजिए जोड़ के साथ। भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी का परिवार तोड़ने जाए? नहीं, भाजपा को तो आनंद आता है, अखिलेश जी को तो आनंद आता है दूसरे का परिवार तोड़ने में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खड़े ही हैं मजबूती से। अभी तो 2024 का चुनाव आने, तो पता चलेगा आपको कितनी मजबूती से हम खड़े हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को वोट मत कीजिए। अरे भाई, जब वहां पे चुनाव लड़ने गई है समाजवादी पार्टी तो क्या कहेगी? अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहीं वो पिक्चर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनता उसको नकार चुकी है। अब खाली समाजवादी पार्टी अगर वहां पे गई है चुनाव लड़ने तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, तो वो क्या कहेगी कि कांग्रेस को वोट दे तो हमको वोट मत दो? तो भाई, कैंडिडेट हमने क्यों उतारा है? हमने कैंडिडेट उतारा है तो भैया वोट तो मांगेंगे ना। और कांग्रेस के खिलाफ ही वहां चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा कहीं पे है ही नहीं। वहां तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका भ्रष्टाचार इतना चरम पे बोल रहा है कि भाजपा को जनता पहले ही नकार चुकी है। तो अब इनको ये कह के क्या करें हम कि भाजपा को वोट मत दो? भाजपा को तो जनता पहले ही वोट नहीं दे रही है, तो इनका नाम लेके क्यों इनको 10-20 वोट और बढ़वाएं इनके? तो देखिए, स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो गठबंधन नहीं है, ये बिल्कुल साफ है कि गठबंधन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। परंतु उस गठबंधन ना होने को इंडिया गठबंधन नहीं है ये कहना, आप मुझे एक भी बयान सुनवाइए अखिलेश जी का जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं रहेंगे। उन्होंने निरंतर ये कहा है कि भाई मेरी जानकारी का अभाव था, और अगर ये स्टेट के लिए गठबंधन नहीं था तो ठीक है, स्टेट के चुनाव के बाद आगे बात होगी। भाई उसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है, जब स्टेट के अंदर गठबंधन नहीं है तो बट ऑब्वियस है हम कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहे हैं अखिलेश जी, तो उनका हक है मांगने का। कांग्रेस अखिलेश जी के खिलाफ वोट मांग रही है। बीजेपी एक ही तरीके के, दोनों का चरित्र एक तरीके का है, कांग्रेस और बीजेपी का। तो मतलब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के चरित्र वाले जैसे दलों से गठबंधन कर रही है, इसका तो मतलब ये समझा जाए ना। राष्ट्रीय लोकदल का इंडिया गठबंधन के अंदर तो समाजवादी पार्टी भी है, जो 2024 के अंदर आपको साथ में दिखेगी, चुनाव लड़ती हुई मैदान में दिखेगी, भारतीय जनता पार्टी की बखिया उखेड़ते हुए दिखेगी। तो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तो इंडिया गठबंधन के अंदर 2024 के लिए है ना। ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। हमारे बायलॉज क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन के? समस्या ये, कोई पढ़ना लिखना तो चाहता नहीं है, हर व्यक्ति खाली बस ये चाहता है किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन टूट जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी का ये जो भागवती का कुनुमा इन्होंने बनाया है, ये इनका टूट टाट के किनारे हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इनकी स्थिति ये है कि राजभर जी कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर कह ही रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कह ही रही है, संजय निषाद कह ही रहे हैं, अब तो अमित शाह भी कहे आए बिहार के अंदर कि जातिगत जनगणना हमी ने करवाई है बिहार के अंदर। अमित शाह कह रहे हैं जातिगत जनगणना तो हमने कराई है, अब तो अमित शाह ने भी कह दिया। तो अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिसी भी क्लियर है कि नहीं है, या सिर्फ सत्ता की भूख ही इनको खाली ये है कि बस सत्ता की इतनी भूख है कि कुछ भी करेंगे, जमीन में लौटने लगेंगे, लेकिन बस सत्ता में किसी भी तरीके से आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है भाई, इससे ज्यादा दयनीय स्थिति तो हम देख ही नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी की। इनके पास ना तो कोई नियत है, ना इनके पास कोई नीति है। निरंतर आप देखिए, आज 59,000 भर्तियों के जो पक्षार्थी थे वो किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस महिलाओं के ऊपर लाठी चला रही, लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर आंदोलन हो रहा है। इंडिया गठबंधन की नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन की नियत भी स्पष्ट है, नीति भी स्पष्ट है कि जनता के मन की बात को सुनना है। जनता को अपने मन की बात नहीं सुनानी है, जनता के मन की बात को सुनना है और जनता के दुख दर्द पे, महंगाई पे वार करनी, भ्रष्टाचार पे वार करना है। मतलब तो ये तो वही बात हो गई कि हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, ये तो वही बात हुई ना। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मानस भाई, समस्या ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों को समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो कर रही थी अंग्रेजों की दलाली, जब क्या नाम है, आजादी की लड़ाई लड़ी आ रही थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाले जो लोग हैं उनको लोकतंत्र समझ में ही नहीं आता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही यही है कि अगर हमको कोई बात नहीं समझ में आएगी तो मैं बोलूंगा, ठीक है ना, वो मैं बोलूंगा, वो चाहे किदवई साहब होंगे तब भी बोलूंगा, अहमद साहब होंगे तब भी बोलूंगा, गोस्वामी जी होंगे तब भी बोलूंगा, मानस भाई होंगे तब भी बोलूंगा, और कृष्णमोहन पांडे से तो मैं बोल ही रहा हूं कि मुझे उनकी बात नहीं समझ में आती,
ठीक है ना। तो कुल मिला के लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि अगर मुझे आपकी बात नहीं समझ में आएगी, मुझे लगेगा कि ये जनता के हित में नहीं है, तो वहां पे डिबेट होगा, वहां पे चर्चा होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजतंत्र समझती है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरे 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 ये तो ये क्या हो गया, ये दोनों दलों ने आपस में ये कह दिया तो ये नाराजगी हो गई, यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ ही नहीं सकती है, उसको पता ही नहीं है लोकतंत्र क्या होता है। इसीलिए वो एनडीए का जो कुनबा उन्होंने बनाया है, वो किस लिए बनाया? एनडीए का कुनबा किस लिए बनाया भाई? एनडीए का कुनबा कौन सा व्यापार करने के लिए बनाया है? वो भी तो उन्होंने विपक्ष को हराने के लिए बनाया है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने के लिए और सत्ता में पुनः आने के लिए बनाया है ना। तो एनडीए का कुनबा भी इसीलिए बना है, और इंडिया का कुनबा भी इसीलिए बना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हम सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हमको नहीं अच्छी लगती हैं, हमको लगता है कि भाई वो जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। और जनता भी हमसे आके यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां नहीं ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है वो दिख रही है आपको। किसान को दो गुना देने का वादा किया था, नहीं दिया। गन्ना किसान का देखिए सत्र चालू हो गया है, उसका रेट अभी तक घोषित नहीं किया। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि वो कृषि मंत्री है, उनके बेटे की स्थिति देखिए, वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहा है, रुपए पैसे के लेन देन की बात हो रही है। तो भ्रष्टाचार के अंदर वहां लखनऊ के अंदर ही एक दरोगा पकड़े जा रहे हैं पैसे लेते हुए, रिश्वत लेते हुए। तो भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे बह रहा है, महंगाई चरम सीमा पे बह रही है। तो हम कैसे इनकी नीतियों से सहमत हो जाए? तो इसके जो इंडिया गठबंधन बना है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है, और वो ये कह, वो ये तो नहीं कह रहा ना कि हम इस देश का भविष्य बना देंगे या हम सब एक हैं, इस टाइप की बातें नहीं कर रहा, इस तरह की बातें। वो तो अपना काम कर रहा है जो कि हर शासन काल में होता रहा, इससे कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं कि पुलिस में क्या होता है। फिर तो ये मतलब हो गया कि इसी को हम ट्रेंड मान ले और जीवन भर इसी तरीके से चलेगा। कि आपने अगर ये कह दिया कि इसी तरीके से होता है शासन में, तो हमारी सरकार में भी यही होता था, तो भाजपा भी यही करेगी, तो जनता इसी तरीके से पिसती रहेगी और जो भी सरकार आएगी वो इसी ट्रेंड के ऊपर चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में कह के आई थी ना कि हम ये बदलेंगे, तो क्यों नहीं बदल पाई भारतीय जनता पार्टी? अग्रवाल जी, संजीदगी से कहें तो इस देश के सियासी सिस्टम को सोचना चाहिए, आज नहीं कई साल पहले सोच लेना चाहिए था कि इस देश में जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था है और जो दरोगा राज चल रहा है, वो ना तब खत्म हुआ था ना अब खत्म हुआ, क्योंकि उसी पे ही सरकारों का पूरा कारोबार चलता है, पूरा उनका कामकाज चलता है। तो ये कोई अब तो बुलडोजर राज चल रहा है, अब तो ईडी राज भी ऐड हो गया, अब तो सीबीआई राज भी ऐड हो गया, और अब तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है। सिस्टम की इस बीमारी को तो सबको मिलकर ठीक करना होगा ना, क्योंकि जो पुलिस भी आती है वो हमारे समाज से आती, हमारे आपके ही बीच के घर परिवार के लोग पहुंचते हैं, जो दरोगा बन जाने के बाद उस तरीके की। और नरेंद्र तोमर जी के बेटे का जो भ्रष्टाचार सामने आया, उसको कौन ठीक करेगा? उसको भी हम विपक्ष वाले ठीक करेंगे? 30 साल से वही पत्रकारिता में हूँ, मैंने अगर कोई चीज बदल, राजनीति में बहुत कुछ बदलते देखा, तमाम नेताओं के बयान, उनके चेहरे और चरित्र बदलते देखे, एक चीज बदलते हुए नहीं देखी, तो मैंने पुलिस की कार्यप्रणाली को बदलते हुए आज तक नहीं देखा। वो तब भी 30 साल पहले भी वैसे ही थी और आज भी वैसे ही है, बस तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो बहुत सारी चीजें ढकी छुपी रह जाती थी। आज अक्सर दरोगा के वीडियो बन जाते हैं, पुलिस कर्मियों के वीडियो बन जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे देश के जो बड़े जो नेता है, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, जो सरकार है, उन्होंने संजीदगी से इस पर सोचा नहीं, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की। आज भी आपको पता है कि अगर आपके घर परिवार में भी कभी कोई स्थिति कोई घटनाक्रम हो जाता होगा, तो आपको पता है कि एक आईओ उसके पास क्या ताकत होती है, उसके पास अगर जांच करवा ली जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम थानों के जो थानेदार है ना, उनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, तो शायद बड़े बड़े नेताओं के जो जांच हो रही वो शायद फीकी पड़ जाएगी। खैर, अलग विषय, मेरे ख्याल से प्रमोद गोस्वामी जी आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। खैर, मानस जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी लंबे समय देख रहा हूँ, सारी चीजों में व्यवस्था में हुई, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली न बदली है और न बदल पाएगी। मुझे तो अब ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देते कि किसी में सामर्थ्य है कि पुलिस की कार्रवाई को बदल दे। बाकी में जो आईओ है वो डीजीपी से ऊपर है, वो अब तो स्थितियां ये हो गई कि आईओ जो है वो कप्तान के कमिश्नर की बात को ही दरकिनार कर देता है। सर, ये सत्यता, और आप जानते हैं कि जो पूरा पावर का जो गेम है ना, वो पुलिस के ही दम पे चलता है, क्योंकि पता कि किस तरीके से हमको। मानस जी, उसके नेपथ्य में जाइए तो ये वही पुलिस है
जिसकी वजह से सत्ता में आने के कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत रास्ते खुलते हैं, वो मदद करती है, तो उनको उनके ऊपर ये अंकुश कैसे लगाए? ये मजबूरी भी तो राजनीतिक दलों की है। जी 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 जी। अच्छा फराज किदवई साहब, मैं आपके पास आ रहा था, जो कि हम लोग दूसरे विषय पे चले गए। फराज साहब, अभी एक बयान में पढ़ रहा हूँ अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा है, एक और नया बयान आ गया है, उन्होंने कांग्रेस पर फिर से हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट ना दे, वो एक फ्रॉड पार्टी है। मध्य प्रदेश की एक रैली में उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस को वोट ना दे, वो एक फ्रॉड पार्टी है। और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने शायद चुटकी भी ले ली है। आप सहमत है अखिलेश यादव जी के इस बयान से, फ्रॉड पार्टी है? ऐसा एक वेबसाइट पे भी छापा है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये एक वेबसाइट पे छापा है और देश का बड़ा जानकार जी। मानस जी, मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन हम लोग पुलिस की बात कर रहे थे और थानों की बात कर रहे थे, तो इसमें तहसील को भी ऐड कर दीजिए। और मुझे लगता है कि हम भी जब 15-20 साल से थोड़े बहुत 500-600 स्क्वायर फीट के कभी 5-6 साल में प्लॉट खरीद लेते हैं, तो तहसील में रजिस्ट्री कराने चले जाते हैं, उतनी ही अव्यवस्था और उतना ही करप्शन अभी वहां पर भी है। और बेचारा अगर कोई एक छोटा सा जी फराज भाई, लेकिन आज हम लोग मुद्दे पर रहते हैं, कांग्रेस एक फ्रॉड पार्टी है, ऐसा एक अखबार की वेबसाइट ने अभी 3 घंटे पहले ही इसको पोस्ट किया है। ये मेरे शब्द नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का एक जाना माना अखबार है और उसकी वेबसाइट पे ये खबर अखिलेश यादव जी के हवाले से छपी है कि अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज। शिवराज ने साधा निशाना, कहा दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती, अखिलेश यादव का बयान है कि कांग्रेस को वोट ना दें, वो एक फ्रॉड पार्टी। ये भी 3 घंटे पहले वेबसाइट ने देश के, मैंने भर का देश के एक बहुत बड़े अखबार की वेबसाइट ने इसको पोस्ट किया है। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या आप अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत हैं? आप मानते हैं कांग्रेस एक फ्रॉड पार्टी है? माना जी, पहले तो मैंने अभी ये बयान पढ़ा नहीं है, मैं ठीक से पढ़ लूं और रिव्यू कर लूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 100% बातों से जो भी वो कहते हैं, मैं उनसे सहमत रहता हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन मुझे इस बयान की अभी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं दो बातें साफ कर दूं मानस जी। एक तो अभी आपने कृष्ण मोहन पांडे जी से बोला कि आपका रास्ता साफ हो गया है। देखिए, जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या आरएलडी से, तो हमारा गठबंधन बहुत पहले से चल रहा है, आज भी है, क्योंकि आरएलडी ने आज तक भी ना तो जयंत जी ने, ना तो उनके किसी स्पोक्सपर्सन ने और ना ही उनके किसी नेता ने आज तक कभी भी समाजवादी पार्टी को डिस्टेबलाइज करने की, उनकी पोचिंग करने की कोशिश नहीं की। तो देखिए, गठबंधन धर्म एक होता है जिसमें हर एक को साथ देना चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं ये बहुत पॉजिटिव उसमें बोल रहा हूँ, गठबंधन हमारा है और चलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से अजय राय जी ने शुरुआत की थी, जहां से खटास शुरू हुई है, मुझे लगता है कि इस चीज को रोकना चाहिए, क्योंकि अमेठी और रायबरेली भी हमको जीतनी है इंडिया गठबंधन को, और वो बिना गठबंधन के, वो बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के कैसे जीती जाएगी, ये कांग्रेस को इस पर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे भाई अभी कृष्ण मोहन पांडे जी ने छोटे दलों की बात कही, छोटे दलों को तो ये लोग खत्म करना चाहते ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि जो क्षेत्रीय दल है माना जी, वो जो इकोनॉमी है उसमें बाधक है बहुत बड़े। और आप देखिए कि जो भी छोटे दल है, मेरे भाई रोहित अग्रवाल जी ने वो बताया कि इन्होंने रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ करके, और रामविलास पासवान जी को क्या श्रद्धांजलि दी, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि चचा बेटे को आपस में लड़ा दिया और दोनों आज की तारीख में हाजीपुर से टिकट मांग रहे हैं। इन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, तो इन्होंने कोई भी ऐसी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, अभी इनकी सोनेलाल पटेल जी की पार्टी के बारे में, अभी उनके परिवार के बारे में रोहित जी ने बताया। तो और दूसरी बात, दंगों की बात कर रहे थे हमारे भाई, इस 1947 के बाद से आज तक के मुझे लगता है कि मणिपुर से बड़ा दंगा आकर मानस जी कोई हुआ होगा, जिस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से मां तक नहीं निकला और आप बोलते हैं कि दंगे नहीं हो रहे। साहब, समय का बहुत बचे हैं और मुझे अपने दो और जो दोनों गेस्ट उनके पास में जाना है। कृष्ण मोहन जी, जो बात रोहित अग्रवाल जी ने कही और तथ्यों के साथ कही कि आपको परिवार तोड़ने में आपको बड़ा आनंद आता है, और उन्होंने कई सारे गिरा भी दिए थे परिवारों के नाम, मैंने उसमें एक शरद परिवार के परिवार का नाम और जोड़ दिया। अब इंडिया गठबंधन परिवार को तोड़ने में भी क्या आपकी कोई भूमिका है? क्योंकि सवाल तो ये आप पे खड़ा कर रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं उसको। मानस भाई, बड़ा बहुत लंबा मैं नहीं जाना चाहूंगा, बस छोटे से एक शब्द से इस बात की पूर्ति करूंगा। बीच में 2017 में शिवपाल जी और अखिलेश जी भिड़ गए थे और इस तरह से भिड़े थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 बार में हो गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी? क्या यदि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी।
बस भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान? अर्पणा यादव जी कहाँ है? अर्पणा यादव जी कहाँ है? अर्पणा यादव जी को जानते हैं कौन है वो? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, अर्पणा यादव जी का नाम जानते हैं या उनका नाम नहीं जानते हैं? उन्नीस सौ तिरपन उसके साथ पड़े होंगे। दूसरी बात, जिसने कहा कोई भाग का कोई मौका नहीं था अग्रवाल को, अर्पणा यादव का नाम ले लिया आपके सामने, देखिए अर्पणा यादव कहाँ है बताएं। रोहित भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लंबे काल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। साहब आए नहीं, हम 14 में थे, 17 में है, 19 में है, 22 में और 24 में भी रहेंगे। देश की जनता ने मोहर लगा दी है, एकदम निश्चिंत रहिए। दूसरा महंगाई बार बार बढ़ती जा रही है साहब, महंगाई का आंकड़ा सुन गिरा दू। मैंने कोई थोड़ा समय दीजिएगा, 1 अप्रैल 2004 को, 1 मई 2004 को इनकी सरकार थी और 2014 तक में जो इनकी 10 वर्षों के कालखंड में 279 रुपए 2004 में जो गैस सिलेंडर था वो 2014 में जब हमको इन्होंने सत्ता सौंपी तो 930 रुपए थी। भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों के कालखंड में हम 900 से 1200 किए और 1100 किए, पुनः 900 पे चले आए। इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो इनका 197% है और भारतीय जनता पार्टी का 27%, फिर भी महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरे साहब 2G आपके यहाँ, 4G आपके यहाँ, कोल जी आपके यहाँ, जीजा जी आपके यहाँ, ये सारे के सारे जेल पे जाने वाले हैं और बाहर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पांडे जी खेल ही अलग हुआ, जिस 2G को बीजेपी ने मुद्दा बना के सरकार हिला दी कांग्रेस की यूपीए की, बाद में मालूम पड़ा उसमें तो कोई था ही नहीं, तो ये तो मेरा खेल होता है। हमारे मित्र ने कहा कि हम अंग्रेजों के साथ खड़े थे, साहब एक कांग्रेसी नेता का नाम ही बता देंगे जो जेल गया हो, नेहरू गए, कोई भी कांग्रेसी नेता जो फांसी पे चढ़ा हो, नेहरू जी 15 साल जेल में रहे थे, ये व्हाट्सएप ज्ञान इसीलिए तो कहते हैं व्हाट्सएप ज्ञान मत पढ़ा करो, नेहरू जी 15 साल जेल में रहे थे महाराज, अरे महाराज ऐसा 15 साल नेहरू जी जेल में रहे थे, ये कांग्रेस वाले आपको बता देंगे, मुझे लगता है मुझसे बेहतर। अरे नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की थी किसने थे उससे मतलब नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आजादी में भूमिका निभाई थी उन्होंने, चाचा कहते कहते हम जवान हो गए, उनके जन्मदिन पे हम चाचा के जन्मदिन कहते कहते जवान हो गए, आप कह रहे नेहरू जी को, अरे यही पांडे जी, पांडे जी यही फर्क है आप पे और मुझ में, कि आप अपना और पराया देख के निर्णय लेते हैं और हम देशभक्त देख के निर्णय लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, वो कांग्रेस आई थी, मोहन जी व्हाट्सएप में सुधारे पड़ जाएगी थे, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा उनपे खत्म दिन था। महाराज भाई कांग्रेस आई है, कांग्रेस जितने हमले हो रहे चौतरफा तब के निशाने पे आप है, नीतीश कुमार आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ममता बनर्जी आपको जिम्मेदार ठहराती है, आम आदमी पार्टी आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोसती है, समाजवादी पार्टी आपको ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज रही है जिसको कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। नेता लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें तो ठीक है, एक पत्रकार होने के नाते मैं इस तरीके की भाषा पर जाना नहीं चाहता। सबके निशाने पर कांग्रेस पार्टी, तो कुछ तो गलती आप कर रहे हैं ना, कहीं तो आप गठबंधन धर्म का पालन करने में कहीं से आप चूक रहे, तभी तो सारे लोग आप पर हमलावर हो गए। देखिए मानव भाई, जो फलदार वृक्ष होते हैं ना वो झुक जाते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, तो ये सब बातों का कोई बहुत महत्व नहीं। देखिए इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वो सब देश के जो मुद्दे हैं उन सब चीजों को लेके बना हुआ है और देश के मुद्दों को लेके हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया। राज्य में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे बहुत प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सुन रहा था किस मोहन पांडे जी बोल रहे थे कि कांग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया, अब इनको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले आते हैं। नेहरू जी कितने साल जेल में थे, जब आपके लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, जब आपके लोग इंडिया नहीं कांग्रेस आई, सुनिए आजादी के बाद कांग्रेस का बड़ा नेता जेल नहीं गया, आजादी के बाद क्यों चिदंबरम जी जेल नहीं गया,
एक बात किसमें जेल जाएंगे, फर्जी मुकदमे में जेल नहीं भेजा गया उनको, कितने नेता जेल गए? खैर महाराज जी मैं उस पर आ रहा हूँ, ये जो बैठे हैं कृष्ण मोहन जी, जब ये अंग्रेजों के, जब इनके जो नेता थे, जब अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे और माफी मांग रहे थे, उस समय हमारे नेता ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में बैठ के लिख दी थी। ये ज्ञान यहाँ पे मत दे आके कि आजादी के समय कांग्रेस के नेता जेल में नहीं गए, ये आके पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और गुरु गोवलकर की बंच ऑफ थॉट्स आके पढ़ के यहाँ पे ज्ञान देंगे तो यहाँ सुनने को ही नहीं बैठा हुआ है। अब दूसरी बात महाराज जी, एक बात और मैं बड़ी कर देता हूँ, हम लोग के साथ थोड़ा अन्याय हो जाता है, 38 दलों का कुंबा है एनडीए का। एक दिन महाराज जी मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपको भी चुनौती देता हूँ कि आप एक डिबेट बुलाइए, अकाली दल इनको छोड़ के चला गया, AIADMK इनको छोड़ के चला गया, आप एक बहस इससे कर सकते हैं कि इन दलों को छोड़ के जाने का जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जिम्मेदार है या जेपी नड्डा जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? होता क्या है महाराज जी कि दुर्भाग्य यह है कि जो भी विश्लेषण हो रहा है सारा इंडिया गठबंधन का हो रहा है। एनडीए गठबंधन का पूरा कुंबा बिखर गया है, टूट गया है, सब समझ गए कि भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है, सब समझ के भाग रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के जो भी जाने माने पत्रकार हैं, जो भी जाने माने न्यूज चैनल है, शाम को इंडिया गठबंधन को लेकर एक विश्लेषक बैठा के विश्लेषण कर लेते हैं। आप लोग एक विश्लेषण इससे भी कीजिए, मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि आप एक विश्लेषण एक प्रोग्राम कीजिए कि एनडीए का गठबंधन जो बिखर गया है, लोग भाग रहे हैं भाजपा को छोड़ के, इसके पीछे की वजह क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है? और अगर आप इस पर बहस कर लेंगे तो मान लूंगा कि आप एक ऐसे पत्रकार जी। अहमद साहब मैं आपको बताऊं, मैं आपको देखिए, जब शिवसेना से जब गठबंधन टूटा उसमें क्या हुआ क्या नहीं, देखिए वो विश्लेषण नहीं हो पाता है। मेरे को एक बात कहने दीजिए, शिवसेना को भी जब तोड़ा अमित शाह ने तो लोगों ने ये बोला कि अहमद साहब आपका ऑडियो फ्रीज हो गया है, आवाज नहीं आ रही। हाँ देखिए अहमद साहब को मैं बताना चाह रहा था, ये गोस्वामी जी क्या भाजपा मानव जी मैं बात पूरी कर लूं, क्या एक बहस इस पे होगी कि भाजपा क्या डूबता हुआ जहाज है जो उसको छोड़ के उसके सारे घटक दल भाग रहे हैं? क्या भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है? क्या इस पर एक विश्लेषण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सारा विश्लेषण इस देश का मीडिया इंडिया गठबंधन पे कर रहा है। अगर एक बयान दिया जाता है तो शाम को सारे टीवी चैनल बैठ जाते हैं उस पर बहस करने के लिए। यहाँ पूरा का पूरा पूरे की पूरी पार्टी AIADMK छोड़ के चली गई, किसी इस पर भी बहस हो जाएगी। कल एक बहस रखिए महाराज जी और मुझे ही बुलाइए, कल एक बहस रखिए और मुझे ही बुलाइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अहमद साहब कि हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, क्योंकि आप देख रहे न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लिखा हुआ है उस पर, इसलिए मैंने अखिलेश यादव जी को इस डिबेट में। लेकिन बात तो मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, बात तो मध्य प्रदेश की कर रहे हैं ना, बात तो हम लोग मध्य प्रदेश की कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में क्या बयान दिया। एक दूसरी बात भी मैं आपसे कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन, देखिए इंडिया का गठबंधन तीन प्रमुख दलों पर निर्भर करता है, एक कांग्रेस, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन अगर आप एनडीए पे आते तो अपना दल तो छोड़ के नहीं गया बीजेपी को, अपना दल से गठबंधन निषाद पाटिल मानव जी, आप जिस बयान पे बहस कर रहे हैं, अच्छा मानव जी एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश में बहस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, आपको उत्तर प्रदेश की बहस करना चाहिए ना, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये पैमाना अगर आप ये पैमाना बना रहे हैं तो आपको ये पैमाना फिर अपने प्रक्षेपित करना चाहिए। अगर आपने पूरी बहस को अगर मेरी शुरुआत सुना होगा तो मैंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश को जीते बगैर ये लड़ाई संभव नहीं है, जिस टारगेट को आप लेके चल रहे हैं। और रही बात इसकी, नहीं हम जीतेंगे, पांच राज्यों के चुनाव भी हम जीतेंगे, 2024 के भी चुनाव जीतेंगे। आज एक बात और मैं कह दे रहा हूँ, कृष्ण पांडे जी किस बहस में शामिल हुए हैं जो यहाँ पर दूसरी बार है शामिल होते रहे इस हमारे साथ, खास तौर से आपको पता होगा कि मैंने राजभर के मुद्दे पर शायद सबसे ज्यादा बहस हम लोगों ने की होगी कि जिन राजभर ने पानी पी पी करके कोसा भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी उसको लेने पर मजबूर क्यों हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ है, इसलिए दारा सिंह चौहान को। महाराज जी एक जवाब यहाँ दे देता हूँ, कृष्ण मोहन पांडे जी ने बोला कि कृष्ण मोहन पांडे जी ने गरीबी की बात की, 80 करोड़ लोगों को मतलब ये राशन बांट रहे हैं, ये इनको गर्व की बात बता रहा है जिसको इनको शर्म आनी चाहिए, और आप गरीबी की आके यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग इनका खुद का डाटा है कि राशन दे रहे हैं और जिसको इनको शर्म आनी चाहिए उससे गर्व कर रहे हैं। गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जरूर बहस करूंगा, आपसे वादा कर रहा हूं। आज जो है मैं समाप्त होता हूं, ऑलरेडी हम लोग समय से काफी आगे निकल गए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको यही विराम देते हैं अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रमोद गोस्वामी जी आपका,
और कृष्ण मोहन पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, फराज अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से शुरू हुई तकरार की, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंधमारी जारी, उससे लगातार समाजवादी पार्टी उनके मुखिया असहज हो रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ लामबंद हो पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।